हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्फोरम मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं सहसर्मिका का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात करना। इनसे पिछली वीडियो में हमने सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के सवाल लोग कैसे करते हैं, तो आज हम उनका उपयोग सीखने वाले हैं कि उनका उपयोग हम कैसे गुणा करने में करते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब हम इसका उपयोग करना है हमें इसका, और इसका उपयोग करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये तो 51 लिखा हुआ है और यहाँ पे है a प्लस बी, तो हमें पहले से क्या करना है, कुछ टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, तो टुकड़ों में तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, देखो 50 को, इसको 51 है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 50 प्लस 1 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। हमने इसे 51 को क्या लिख दिया, 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसका उपयोग करके देखो, a की जगह कौन आ गया 50, b की जगह कौन आ गया 1। अब आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 गुना पहले वाला और फिर दूसरे वाला। ठीक है, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो हमारा आया है 50, ये क्या बन गया, 2500 बन गया, प्लस 1 प्लस 2, है ना, 2 50 की गुणा करी तो 50 दूनी 100 और 100 एकम 100 तो यहां पे आ गया 100। ठीक है, अब इन तीनों को हमने जोड़ लिया, जोड़ा तो 2500 प्लस 100 कितना हुआ, 2600 और 1, तो आंसर आ गया हमारा 2601। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखिए 100 से बड़े वाले का, मैं भी देखते हैं कैसे करेंगे इसको, है ना। इनका प्रयोग करके ही हम आसानी से वर्ग निकालते हैं ना, किसी भी संख्या का। खैर अभी ये देखते हैं 105 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे हम। तो 105 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले से तोड़ोगे, तोड़ने के लिए क्या लिखोगे, 100 प्लस 5। पहले वाली संख्या ऐसी लिखनी है जिसका वर्ग हम आसानी से लिख सके। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, 100 प्लस 5 लिख लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो अब क्या, a की जगह कौन है 100, तो पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर 5 की जगह 5 का स्क्वायर कर दो, फिर 2 गुना लगाओ, 100 लिखो और उसको 5 से गुना कर दो। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 का स्क्वायर 10000 हो जाता है, प्लस 5 का 25 हो गया, और ये देखो 5 दुनी 10 और 10 की गुना किस में करनी है, 100 में, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10000 और 1000 कितना हुआ, 11000, और 11000 में 25 जोड़ा तो कितना लिखेंगे, 11025। ये हमारा आंसर हो जाएगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का। अब इसी प्रकार से आपको हल करके 302 का स्क्वायर निकालना है और उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें हम अपनी दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, अपने दूसरे फॉर्मूले का, दूसरी सर्वसर्मिका का प्रयोग करेंगे। वो कैसे लगाएंगे, देखिए ये लिखा हुआ है 98, तो 98 कैसे लाया जा सकता है, जोड़ के अगर मैं लाने लगूं, अच्छा सपोज करो आप जोड़ के लाना हो तो क्या लिखोगे, 90 प्लस 8, यही तो लिखोगे अगर जोड़ के लाना हो तो आप ये लिखोगे। लेकिन हमें क्या लाना है, हम अब इसका उल्टा करते हैं, हम घटा के लाते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 माइनस 2। जब आप 100 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, 100 माइनस 2 मतलब 98, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में बस यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो और कुछ भी नहीं करना। तो देखो कैसे, a का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, माइनस 2 गुना कर दो पहले वाला गुना दूसरे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 10000, प्लस ये कितना हो गया 4, माइनस 2 दूनी कितना हुआ हमारा 4, और 4 की गुना हमने किस में करी, 100 में, तो कितना हो गया 400। तो पहले क्या करेंगे, 10000 में से 400 को घटा लेंगे, तो जब 10000 में से 400 घटाया तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 9600। ठीक है, तो 9600 में 4 जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 9604 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका भी आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है,
तो 95 को आप तोड़ लेंगे कैसे, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डालकर अब मैं आपको तीसरी सरसमिका का उपयोग बताता हूँ कैसे करते, ठीक है। हमारी तीसरी सरसमिका क्या थी, हमारी तीसरी सरसमिका थी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अगर ऐसा किसी का योग हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी का योग हो, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करनी हो थोड़ी, या गुणा करनी हो ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो क्या आता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता है, अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे इसमें, ये हम ये करेंगे कि 50 प्लस 2, ठीक है, इसको लिख दिया 50 प्लस 2, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, बीच में गुना है, गुना लगा दिया आपने, 48 लिखा हुआ है, अब इसको क्या करके लिखना है, 50 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक बार वही चीज प्लस करके, एक बार वही चीज क्या है माइनस करके है। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है भाई कि इसका प्रयोग करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रयोग करना है और किसी तरीके से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है। तो इसकी गुना करना देखो कितना आसान है, क्या करोगे, देखो ध्यान से देखेंगे क्या करना है हमें, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि इसको 52 लिखा हुआ है ना, ये 52 था, मैंने 50 प्लस 2 लिख लिया और ये 48 में 50 माइनस 2 लिख लिया, बस इसके बाद ये वाला फॉर्मूला, यानी पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, बस 50 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 2500, और माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, तो 2500 में से जब 4 घटा दोगे तो कितना आएगा, ये हो गया मेरा 2496, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से हम अपने सरसमिकाओं को प्रयोग करके सारे सवालों को हल कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 102 × 98, ठीक है, 102 और 98 की गुणा हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही दिख ही रहा होगा कि कौन सा लगाना है, ये वाला लगना है इसमें, ठीक है। इसको कैसे तोड़ते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, बस आपको मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, 100+2 करके तोड़ दो और इसको 100-2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, आपको इसका जवाब देना है इसमें, और इस वाले 302 वाले का जवाब देना है और 95 वाले का जवाब देना है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल M4M Mathematics को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।